परासिया में पार्किंग व्यवस्था और माफिया के अवैध कामों से लोग परेशान हैं। जनप्रतिनिधियों एवं समाज सेवियों ने प्रशासन के साथ बैठक करी, जिसमें यातायात और अवैध कार्यों को लेकर चर्चा की गई। संगीतालय भवन में थाना परासिया ने जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें जनप्रतिनिधियों समेत समाज सेवियों ने बैठक की। बैठक में शहर की यातायात व्यवस्था और अवैध कार्यों को लेकर चर्चा की गई। चर्चा में शासन प्रशासन ने आश्वासन दिया कि शहर में यातायात का सुधार किया जाएगा, पार्किंग व्यवस्था को भी ठीक कर दिया जाए। संवाद का कार्यक्रम परासिया अनुवाद कॉलोनी थाना में रखा गया था, जिसमें जनप्रतिनिधि हमारे लोकल नागरिक मीडिया एवं सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है एवं जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उसके विषय में यहाँ पर विस्तृत एक चर्चा हुई। इसमें कई मुद्दे उभर कर सामने आए, जिसमें ट्रैफिक, पार्किंग, अपराध एवं कई छोटे छोटे मुद्दे जो रखे गए हैं इसमें एवं इनके ऊपर जो है कार्रवाई की योजना बनाई गई है एवं सभी के द्वारा पुलिस प्रशासन एवं नगर पालिका साथ ही जनप्रतिनिधि इसमें मिलकर कार्रवाई करेंगी एवं जो ट्रैफिक एवं अन्य समस्याएं हैं उनका सभी का निदान किया जाएगा। और इस तरह का जो जनसंवाद का कार्यक्रम की मांग उठी है, पुलिस का जो जनसंवाद है लगातार होते रहना चाहिए, ये लगातार होता रहेगा एवं जो मुद्दे उठे हैं उनके विषय में भी उसमें फिर आगे चल के और चर्चा की जाएगी कि किस तरह क्षेत्र का बेहतर विकास, बेहतर पुलिसिंग एवं जो क्षेत्र में पुलिस और जनता मिलकर कैसे कार्य कर सकते हैं इसके विषय में चर्चा कराता जाए। किसी भी व्यक्ति के द्वारा, न तो किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा, न किसी अन्य प्रतिनिधिजन के द्वारा कोई भी चीजों का विरोध नहीं किया गया होना चाहिए। हमारा उसी उद्देश्य के लिए स्थानीय समस्याओं का चिन्हांकन किया गया है कि कहाँ पर दुर्घटनाएँ ज़्यादा होती हैं, कहाँ सीसीटीवी की जरूरत है, कहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए क्या करना है। शहर के अंदर जो आवारा पशु है वो बैठे रहते हैं, उनके कारण दुर्घटनाएँ होती हैं। डीजे के लिए भी अनावश्यक होते हैं, उसके भी फिलहाल अधिनियम भी चल रहा है, परीक्षाएं भी चल रही हैं बोर्ड की, तो उसके चलते भी डीजे को प्रतिबंधित किया गया है। फिर भी गाहे बगाहे का कोई कर रहा है, तो इन सब चीज़ों पर आज अच्छी सार्थक चर्चा हुई। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।